हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं सेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप भी सेक्स में रुचि रखते हो तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नई शादीशुदा लड़की को सुहागरात में कम से कम कितनी बार करना चाहिए, बताइए दोस्तों, कितनी बार करना चाहिए? सही आंसर होगा सुहागरात की रात को कम से कम 5-6 बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसी रात को ही आपको अपनी पत्नी को पूरा स्टेमिना दिखाना होता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल, औरत करवाने के बाद वह चुपचाप सो क्यों जाती है? आपको आंसर पता है, बताइए। सही आंसर है, सेक्स करने के बाद उसके शरीर में थकावट आ जाती है और थकावट आने के कारण वह सो जाती है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लड़कियां करवाते समय लड़के का कौन सा अंग को वह बहुत ध्यान से देखती है? आपके सवाल का सही आंसर है उसकी आंखें और उसका स्टेमिना। आपका अगला सवाल, संभोग करते समय कैसे करें कि लड़की को दर्द महसूस ना हो, बताइए दोस्तों, आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर है, सुताकर आराम से धीरे धीरे करें। आपका अगला सवाल, क्या खाने से लड़कियों में संभोग कराने की इच्छा बढ़ जाती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ड्राई फ्रूट्स खाने से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।